गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज के इस खास जूम मीटिंग प्रोग्राम में। और जैसा कि मैं डेली आपको बोलता हूँ और आज एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि हम डेली मंडे टू फ्राइडे आप लोगों से मुखातिब होते इस प्रोग्राम को लेकर। और ये जो खास प्रोग्राम आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, ये आपकी डेवलपमेंट के लिए कि आप इस प्रोग्राम के माध्यम से प्रोडक्ट के बारे में बेहतरीन नॉलेज ले सके, मार्केटिंग प्लान को बेहतर तरीके से समझ सके, मोटिवेशन प्राप्त कर सके और टेक्निक्स जो होती है डायरेक्ट सेलिंग की वो जान सके। और ये नवंबर का महीना खास महीना है आप लोगों के लिए, क्योंकि कंपनी लेकर आया है आप लोगों के लिए 2 महीने के लिए शानदार बेहतरीन ऑफर, नवंबर दिसंबर 2 महीने के लिए। तो मैं इस पूरे महीने और ये आने वाले 2 महीने आपको इस ऑफर के बारे में डेली बताया जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना रिमाइंडर रिमाइंडर होना बहुत जरूरी है। अगर डेली आपको रिमाइंड रहेगी, ये चीज आपके जहन में रहेगी कि ये ऑफर आया है, तो आप इसे कर पाएंगे। तो मैं चाहूंगा मेरी टेक्निकल टीम से कि पोस्टर को एक बार शो करें। थैंक यू सो मच। सो रियल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए डीएक्सएन लेके आया एक रियल ऑफर। हु इज द रियल डिस्ट्रीब्यूटर? क्योंकि ये ऑफर को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि रियल डिस्ट्रीब्यूटर आखिर है कौन। तो रियल डिस्ट्रीब्यूटर वही है जो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और आपका जो प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन का जो पता लगता है, वो लगता है आपके कैश बिल से, कि आपके कैश बिल में कितने प्रोडक्ट्स परचेज हुए, कितना क्वांटिटी में परचेज हुए। अगर आपके जो कैश बिल है उसमें पांच कोई भी प्रोडक्ट 5 या 10 क्वांटिटी में है, बल्क क्वांटिटीज में अगर आप परचेस करें, तो नेचुरली आप उन प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और आप कहलाएंगे रियल डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये जो ऑफर है, ये है रियल लोगों के लिए, रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, और सिंपल सा ऑफर है और बहुत बेहतरीन ऑफर डीएक्सएन ने आपको इंट्रोड्यूस कराया है। तो चलिए ऑफर के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं।
पहले समझेंगे हम प्रोमो प्रक्रिया एक, जो फर्स्ट है उसको समझेंगे। इसमें सिंपल सा है, आपको जो लोग अक्टूबर महीने तक स्टार एजेंट नहीं बने, इस चीज को नोट कर लें, थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो लोगों ने अक्टूबर महीने तक स्टार एजेंट अचीव नहीं किया है, उन लोगों के लिए प्रोमो प्रक्रिया वन। इसमें आपको करना क्या है, सिंपल सा, अगर आप 3,000 पीवी इन पूरे इंटायर मंथ, 1 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक, अगर आप 3,000 पीवी करते हैं तो आपको मिलता है एक स्पिरुलिना 360 का पैक। और अगर आप वही व्यक्ति अगर 5,000 पीवी करता है पूरे इंटायर मंथ में, तो उसको मिलते हैं 2 स्पिरुलिना बड़े वाले। ये हो गया ऑफर बिलो स्टार एजेंट्स के लिए। और जो स्टार एजेंट्स ऊपर जो लोग हैं उनको 5,000 पीवी करना है पर्सनल पीवी, और उनको मिलेगा एक बड़ा स्प्रोलिना। सिंपल सा ऑफर है, समझिएगा एक बार। बिलो स्टार एजेंट के लिए 3,000 पीवी पर एक बड़ा स्प्रोलिना, 5,000 पीवी करने पर 2 बड़े स्प्रोलिना, और जो स्टार एजेंट से एवव है उनके लिए 5,000 पीवी करने पर, पर्सनल पीवी करने पर उनको मिलता है एक बेहतरीन बड़ा स्प्रोलिना। अगर यही चीज आप रिपीट करते हैं दिसंबर महीने में भी, नवंबर में, या फिर आप दिसंबर में भी कर रहे हैं, अगर आप इसको रिपीट करते हैं, तो आपको ये प्रोडक्ट के साथ मिलेगा एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक कैटल। क्योंकि जिसे ऑफर का नाम है रियल डिस्ट्रीब्यूटर, जब रियल डिस्ट्रीब्यूटर तो मार्केट में जाता है, काम करने जाता है, तो उसको प्रोडक्ट का डेमो भी करना होता है, चाय कॉफी लोगों को बना के पिलाना भी होता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक कैटल का बहुत रिक्वायरमेंट होता है। तो कंपनी ने आपकी इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए उन रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक प्रोमो ऑफर के साथ ऐड किया है इलेक्ट्रिक केटल की, जो लोग नवंबर में भी पीवी कर रहे हैं और यह ऑफर को अचीव कर रहे हैं और दिसंबर महीने में भी अचीव कर रहे हैं, तो उनको एक इलेक्ट्रिक केटल मुफ्त में ऐड किया जाएगा, उनको दिया जाएगा। और साथ में प्रोमो प्रक्रिया सेकंड, ये एक बेहतरीन प्रक्रिया, मैं बोलूं तो ये ऑफर है ना, इस जो सेकंड जो प्रोमो है इससे एक 4 चांद लग गए इस ऑफर। और इसमें करना क्या है, जो लोग 5,000 पीवी कर रहे हैं या जो प्रोमो फर्स्ट कर रहे हैं, अगर वही लोग अपनी टीम में नवंबर महीने में 7 लोगों को ये ऑफर कराते हैं, नवंबर माह में खुद ऑफर करते हैं और अपनी टीम में 7 लोगों को नवंबर महीने में ये ऑफर कराते हैं, तो 3 दिन 2 रातों का सिद्धिपेट का आपका फैक्ट्री का विजिट और एक शानदार ट्रेनिंग सेशन में भाग लेने का आपको मौका मिलेगा। और दिसंबर महीने में उन्हीं लोगों को, 10 लोगों को, खुद को 5,000 पीवी या जो 3,000 पीवी है वो, और साथ में आपको 10 लोगों को इस ऑफर को कराना होगा, तो आपको 3 दिन और 2 रातों का एक शानदार विजिट आपको मिलने वाला है सिद्धिपेट में। तो इस मौके को आप भुनाए, बिल्कुल हाथ से जाने ना दे। इसीलिए मैं प्रतिदिन आपको इस ऑफर के बारे में बताता रहता हूँ, आपको याद कराता रहता हूँ कि आप इस ऑफर को जहन में रखें, अपने दिमाग में रखें, टीम में रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स की पहचान करें और उनको डीएक्सएन में उन्नति का रास्ता दिखाएं। कट ऑफ रहेगा, इस चीज का ध्यान रखें, अगर आपकी टीम में आप ऑफर कर रहे हो और अगर आपकी टीम में, आपकी डाउनलाइंस में कोई इस ऑफर को कर रहा है तो उसका कट ऑफ लगेगा इसमें, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें और इस ऑफर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। आज 3 तारीख के पूरा इंटायर मंथ अभी आपके लिए खाली है, फिर दिसंबर महीना और ये फेस्टिवल महीना है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को परचेज करें दिवाली के गिफ्ट के तौर पर लोगों को और अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, जिनको भी आप गिफ्ट देते हैं, सिर्फ डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स ही दें जिससे कि वो स्वास्थ्य लाभ ले सकें और आप अपना बिजनेस बढ़ा सके। थैंक यू सो मच। पोस्टर को रिमूव कर लिया जाए। सो माय डियर फ्रेंड, अब आते हैं हम आज की मीटिंग के बारे में। आज का ये खास मीटिंग होने वाला है एक खास प्रोडक्ट के ऊपर, और ये प्रोडक्ट को सिर्फ डीएक्सएन ही नहीं, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी मंच से बोला था कि एक हिमालयन बेरी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और इम्यूनिटी बूस्ट अप करता है, जो भी बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है उसके बारे में उसको पूर्ति कराता है। और आज इसी प्रोडक्ट को आज हमारे साथ में प्रेजेंट करने आ रही है डॉक्टर स्मिता मैम। तो मैं चाहूंगा कि मैम का एक जोरदार तालियों के स्वागत के साथ स्वागत किया जाए। और स्मिता मैम, वेलकम टू यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। या मैम, और आज का ये एपिसोड में मैं थोड़ा बता दूं कि 40 से 50 मिनट का ये एपिसोड रहेगा और हम कुछ चुनिंदा सवाल ही प्रोग्राम में लेने वाले हैं, तो और इसी का विशेष ध्यान रखना,
प्रोग्राम को सुन रहे कि जिस प्रोडक्ट्स का ट्रेनिंग होता है और अगर उसमें हम सवाल और जवाब रखते हैं तो प्लीज उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड आप सवाल और जवाब करें और उस प्रोडक्ट के बारे में सवाल करें, ना कि किसी डिजीज के बारे में, क्योंकि डिजीज के बारे में अगर आपको कोई बात करना है तो मैडम का जैसे क्लिनिक का नंबर है हमेशा वो देती है, तो उस पर ही आप कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू सो मच मैम। और मैम ये आज आने वाले 40 से 50 मिनट आपके लिए, ओवर टू यू मैम। ओके थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल। जैसे कि हम हर वीक में मिलते हैं हमारे अलग अलग प्रोडक्ट के साथ, तो आज का टॉपिक जैसे सर ने आपको पहले बताया सीबकथॉर्न, सीबकथॉर्न अभी मेरे पास है और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा बहुत करीब है, मतलब इसके रिजल्ट्स जो मैंने क्लिनिक में देखे हैं वो अमेजिंग रिजल्ट्स है, पेशेंट में बहुत अच्छे से ये बेनिफिट दिए गए हैं मुझे आज तक। तो वो एक्सपीरियंसेस मैं आपको आपके साथ आगे शेयर करूंगी कि ये सीबकथॉर्न किस किस चीज में मुझे इसने बेनिफिट दिए हैं और मैं क्लिनिक में इसका कैसे इस्तेमाल करती हूँ। तो सीबकथॉर्न के बारे में जैसे अभी सर ने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री जी उन्होंने सीबकथॉर्न के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी थी, मेन वही है कि उन्होंने ये कहा था कि ये जो सीबकथॉर्न पौधा, इसको हिमालयन बेरीज जो कहा गया है वो हिमालय की रेंज में मिलती है, करीबन 10,000 फीट ऊंचाई पे ये सीबकथॉर्न हमें मिलती है। तो इसकी जड़ें भी अगर आप देखें तो 200 फीट नीचे उसकी जड़ें होती है, मतलब इतनी मजबूत जड़ें होती है। तो एक एनवायरमेंटल फैक्टर वहां का, जो हिमालय में तो आप देखते हो कि लैंडस्केपिंग होती है या फिर वो ऐसी मजबूती से वो सीबकथॉर्न का जो ये पौधा है वो इतना मजबूती से रहता है वहां पे क्योंकि उसकी जड़ें इतनी स्ट्रांग है, और वो -40 डिग्री में भी उतना ही अच्छा रहता है और +40 डिग्रीज में भी वो सस्टेन करता है। वो सस्टेनेबिलिटी जो कैपेबिलिटी है उसकी, वही हमें उसका बेनिफिट्स भी देती है, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई प्लांट इतना सस्टेन कर रहा है, इतना जैसे कि एनवायरमेंटल जो चीजें हैं, जो चेंजेस है, टेम्परेचर के चेंजेस है, ये अगर कोई प्लांट सस्टेन कर रहा है वैसे रह रहा है तो हमारे बॉडी को भी वो उतने ही बेनिफिट्स देता है। मतलब ये एक नेचुरल जो चीजें है ना, जो प्लांट बेस्ड चीजें हैं, उसको हमें इस नजरिए से देखना चाहिए कि जैसे मैंने अभी आपको समझाया, तो सीबकथॉर्न को हिमालयन बेरीज भी कहते हैं। अभी अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस प्रकार की वो दिखती है बेरीज, उसके अंदर एक इसेंशियल ऑयल रहता है, रिच सोर्स ऑफ ओमेगा फैटी एसिड्स है 3, 6, 7 और 9। प्लांट बेस्ड कोई भी इसमें हमें इतने सारे, मतलब ये चारों ओमेगा फैटी एसिड्स नहीं मिलते। ओमेगा फैटी एसिड 7 तो बहुत रेयर है, जो प्लांट बेस्ड में मिलता ही नहीं है। ये एनर्जी बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल है। ये सीबकथॉर्न का पौधा ऐसा दिखता है, देखिए इसका मैंने इमेज यहाँ पे शेयर किया है, ये बेरीज है उसके और ये ऐसा दिखता है। तो ये सीबकथॉर्न की जो प्रॉपर्टीज है उसके कारण हमारा जो डीआरडीओ, मतलब डिफेंस सिस्टम जो है, वहां पे हमारे सैनिकों को एनर्जी देने के लिए और उनको बाकी कोई और डिसीजेस से प्रिवेंशन मिलने के लिए इसके जूसेस यूज किए जाते हैं। सीबकथॉर्न वहां पे यूज किया जा रहा है एनर्जी के लिए, और ये बहुत पहले की बात है, मतलब 99 से भी पहले की बात है। चाइना ने उसको ऑफिशियल एथलेटिक ड्रिंक करके प्रोवाइड किया है। एथलेटिक जहाँ एक आपको वहां का गूगल रिसर्च भी मिल जाएगा कि वहां पे जो एथलीट्स है वो सीबकथॉर्न के जूस जो है वो कंज्यूम करते हैं, किस लिए? फॉर एनर्जी, फॉर स्टैमिना, इसकी वजह से। और ये हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है ना उसको उसकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीबकथॉर्न ये सारी चीजों में हमें यहाँ यहाँ मिलता है, जैसे कि एशिया है, यूरोप में है, यहाँ पे, और इंडिया में भी ये बहुत ज्यादा तरीके से पाया जाता है। सीबकथॉर्न आज तक आपने भी कहीं पे भी देखा होगा, मतलब यहाँ डीएक्सएन में तो ये लॉन्च हुआ लास्ट ईयर, लेकिन उसके पहले भी क्या हुआ था कि ये ज्यादा आउट ऑफ इंडिया ज्यादा यूज होता है क्योंकि उनको ये बेनिफिट्स पता है। आज भी अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो तो अलग अलग कंट्रीज में लोग डेली कंज्यूम करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। उनको सिर्फ इतना पता है कि हमें हमारा हार्ट कंडीशन है, जो हार्ट का हेल्थ है वो अच्छा रहना है, क्योंकि आजकल हाइपरटेंशन इतना ज्यादा बढ़ गया है लोगों में, हार्ट अटैक्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, तो सब लोग एज अ प्रिवेंशन ये रोज कंज्यूम करते हैं।
आपने देखी भी होगी वो पिल्स होती है, एक ट्रांसपेरेंट टाइप पिल्स होती है, उसमें कुछ ऑयल दिखते हैं, लेकिन उसमें भी आपको सिर्फ ओमेगा फैटी एसिड 3 या फिर ओमेगा फैटी एसिड 6 इसके ही वो पिल्स मिलते हैं। सिर्फ सीबकथॉर्न ऐसा है जिसमें आपको चारों, मतलब ओमेगा फैटी एसिड 3, 6, 7 और 9 मिलेंगे, तो ये इतना ज्यादा बेनिफिट हमें देगा एक ही इसमें। मेनली मैं अभी आपको स्क्रीन पे ये दिखा रही हूँ कि लोग उसका जैम, लोशन या जूसेस, फ्रूट ड्रिंक्स, एज अ फ्रूट ड्रिंक लोग ये कंज्यूम करते हैं, क्योंकि जैसे सीबकथॉर्न पहले आया था तो बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन किए थे कि ये सीबकथॉर्न हम बच्चों में दे सकते हैं क्या, तो वही आपका जो डाउट है वो क्लियर करने के लिए मैंने कहा कि फिनलैंड में बेबी फूड में ये एज ए न्यूट्रिशनल फूड इस्तेमाल होता है, और बच्चों में ये जैम से जेली है या फिर फ्रूट ड्रिंक है, फ्रूट जूस है, वो देते हैं, तो ये बच्चों में भी उतना ही सेफ है, आप बच्चों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और सीबकथॉर्न ऑयल मेनली अभी कमर्शियली बहुत यूज हो रहा है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, क्योंकि इसका जो स्किन के ऊपर जो बेनिफिट है ना, उसके कारण ये कॉस्मेटिक्स में ज्यादा यूज हो रहा है। जैसे कि आप कोई भी सनस्क्रीन लोशन ले लीजिए, सनस्क्रीन लोशन में सीबकथॉर्न ऑयल बहुत ज्यादा तरीके से यूज होता आ रहा है, या फिर क्रीम्स है, क्योंकि इसमें जो विटामिन्स है या फिर इसका जो स्किन के ऊपर काम करने का तरीका है, उसकी वजह से आजकल ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ज्यादा यूज होते आ रहा है, क्रीम्स में वगैरह। एक्सटर्नली ओके, अगर आप यूज कर रहे हो एक्सटर्नली, लेकिन अगर आप इसको इंटरनली लेते हैं तो आपके ओवरऑल बॉडी को ये उतना ही फायदा देता है। तो हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको एक्सटर्नली यूज करना है, उसको इंटरनली हमें रोज कंज्यूम करना है। सी बकथॉर्न में लगभग 200 से ज्यादा बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, मतलब न्यूट्रिशनल जो बेनिफिट्स होते हैं वो 200 से ज्यादा अब तक पाए गए हैं, और उसके रिसर्च पेपर भी अगर आप देखें तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी आपको मिलेंगे सीबकथॉर्न के, मतलब जो जो रिसर्चर्स हुए हैं, हेल्थ कौन कौन से हेल्थ कंडीशन में वो काम करता है, उसके लिंक भी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिए हैं, मतलब जो मैंने स्टडी किया है सीबकथॉर्न के बारे में और जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया है मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में, मैं उसके सारे डिटेल्स अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको नेचुरल विटामिन ट्रेजर हाउस भी कहा गया है, और सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर, इसकी वजह से ये ज्यादा से ज्यादा एज ए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं? न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे कुछ, फार्मास्यूटिकल वो अलग चीज होती है जो हम मेडिसिन्स के इसमें जाते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स आते हैं जो हम डेली हमें हमारे डाइट से मिलते हैं, लाइक जो न्यूट्रिशन विटामिन्स है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, ये जो हमें मिल रहे हैं। लेकिन आजकल हमें देखा कि डिफिशियंसीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जो लोग रेगुलरली डाइट अच्छा लेते हैं, लाइक वेजिटेबल्स अच्छे लेते हैं, फ्रूट्स अच्छे लेते हैं, उनका डाइट का टाइमिंग भी अच्छा रहता है, सब चीजें अच्छी रहती है, फिर भी उनको डिफिशियंसी दिखती है, और ये आमतौर पर बहुत सारे जनरेशन में मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आजकल जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे कि ओबेसिटी है, हाइपरकोलेस्ट्रीमिया है, ये सारी चीजें क्या है, अगर आप आपके शरीर को पोषण दे रहे हैं लेकिन वो आपके शरीर से उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा, फिर भी आपको नरिशमेंट अच्छे से नहीं मिल रही है, मतलब अगर आपको कोई इंसान उसका हेल्थ अच्छा दिख रहा है या फिर वो ओबेज है, लेकिन आपने देखा है कि ओबेज लोग भी बहुत जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा सा भी काम करते हैं और थक जाते हैं, इसका मतलब है उनका शरीर को पोषण अच्छे से नहीं मिल पा रहा, तो ये न्यूट्रिशन मिलने के लिए हमारे डेली डाइट में हमें न्यूट्रास्यूटिकल्स इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सीबकथॉर्न प्लांट का वही है कि हमें वो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देगा। मेन आज अभी तो हम सीबकथॉर्न यूज कर रहे हैं, लेकिन 8th सेंचुरी में, 8th सेंचुरी में टिबेटन मेडिसिन में इसका वर्णन आया है, वो एक ट्रेडिशनली यूज करते थे सीबकथॉर्न, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीजेस है, कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस है, या फिर अल्सर्स है, या स्किन डिसीजेस, सोराइसिस जैसी कंडीशन, एक्जिमा जैसी कंडीशंस, ऐसे कंडीशन है, और ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए ट्रेडिशनली ये 8th सेंचुरी से यूज होते हुए आ रहा है, ये ऐसा नहीं कि हम ये अभी यूज कर रहे हैं। तो इसका हिस्ट्री जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, टिबेटन मेडिसिन साइंस जो एक बुक है, फार्माकोपिया है टिबेटन का, उस बुक में इसका वर्णन किया है कि ये कैसे कैसे यूज होता आ रहा है।
जैसे कि ये स्टमक माल फंक्शनिंग, मतलब जिनको डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, लीवर फंक्शन अच्छे से नहीं हो रहा, उसमें ये एज अ ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज करते थे। और सी बकथॉर्न का जैसे मैंने पहले बताया कि एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्टिव भी ये कितना अच्छा है, क्योंकि उसके जो जड़े हैं 200 फीट नीचे चले जाते हैं और ये हर एक कंडीशन में सस्टेन होता है, इसलिए फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में इसका बहुत अच्छा रोल है, लैंडस्केपिंग में इसका अच्छा रोल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब वहां पे जो भी फार्मर्स है उस एरिया में जहाँ पे सी बकथॉर्न तैयार होता है, उस एरिया में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए कितना अच्छा बेनिफिट देता है, उसकी वजह से एक एसोसिएशन शुरू हुई है 1999 में, इंटरनेशनल सी बकथॉर्न एसोसिएशन, जो चाइना, इंडिया, कनाडा और जो अदर कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर ये एसोसिएशन बनानी है, क्योंकि ये प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि सी बकथॉर्न हेल्थ में भी हमें बेनिफिट देता है, एनवायरमेंटल बेनिफिट देता है और इकोनॉमिकल बेनिफिट भी देता है, वहां का जो एरिया है, वहां के जो फार्मर्स है, तो वो इतने सारे बेनिफिट्स होने की वजह से ये एसोसिएशन तैयार की गई है। तो सी बकथॉर्न, आप सोचते हैं कि सी बकथॉर्न बेरी है, लाइक बेरी की तरह वो एक पौधे पे आता है, बेरी है, इसका जाहिर सा बात है कि थोड़ा वो खट्टे रस का होगा, तो जो जो भी खट्टे रस के होते हैं उसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अगर विटामिन सी कहीं पे भी आता है तो विटामिन सी काम करता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट। हमने देखा है कि जब भी एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी में अच्छे से रेगुलर सप्लाई होते हैं, तो जो बार बार इन्फेक्शंस होने का चांसेस है वो रिड्यूस होते हैं। उसका मैं आपको उदाहरण अभी बताती हूँ, जैसे कि कोविड के कंडीशन में जब ऐसा होता था कि लोगों की इम्यूनिटी कम हो रही है और वो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, तो ज्यादा से डॉक्टर उनको एक तो फीवर कम होने के लिए मेडिसिन देते थे और दूसरा सप्लीमेंट देते थे विटामिन सी का सप्लीमेंट। विटामिन सी सप्लीमेंट इसके वजह से, क्योंकि विटामिन सी रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है और उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से डेवलप होती है, जो भी ऑलरेडी जो इन्फेक्शन है उसको वो कम करने में हेल्प करती है, और जो इन्फेक्शन होने वाला है उसमें भी कम करने में हेल्प करती है। लेकिन अगर हम नेचुरल विटामिन सी लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, जो हमें नेचुरली पौधों से मिलता है, वो हमारे इंटेस्टाइन से इजीली अब्सॉर्ब होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम विटामिन्स भी ले लेते हैं, विटामिन मल्टी विटामिन्स लेते हैं बहुत लोग, एक ऐसी कैप्सूल होती है जिसमें मल्टी विटामिन्स होते हैं, लेकिन कभी भी आपने ये देखा होगा कि प्लांट बेस्ड जो विटामिन्स होते हैं जो हमारे पेट के लिए बने हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बने हुए हैं, तो प्लांट बेस्ड विटामिन सब कंज्यूम करेंगे तो आपका डाइजेशन और उसका एब्सॉर्प्शन, विटामिन सी का एब्सॉर्प्शन, अगर वो एब्सॉर्ब अच्छे से होगा तभी तो वो आपके शरीर में फंक्शन कर पाएगा, राइट? तो इसमें विटामिन सी 100 ग्राम में बहुत सारी, बेरीज से भी ज्यादा विटामिन सी मिलता है, मैंगोज से भी ज्यादा और ऑरेंजेस से भी ज्यादा विटामिन सी हमारे सी बकथॉर्न में है। तो जब भी आप विटामिन सी या सी बकथॉर्न कंज्यूम करना आपने स्टार्ट किया, तो आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा छोटे बच्चों में भी जो इन्फेक्शन बार बार होता रहता है उनको, इन्फेक्शन तो वो कम आने लगता है, क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ाएगा। साथ ही में उसमें विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन बी, जो बी के जो कुछ कॉम्प्लेक्सेस है वो भी है, विटामिन सी, B6 और B12। विटामिन ई, विटामिन ई के बारे में आपने आज तक देखा होगा आसपास में, या फिर टीवी के एड्स में भी आपने देखा होगा कि विटामिन ई यूज होता है स्किन के लिए। बहुत सारे टीनेजर्स आज भी कभी भी पिंपल्स आ जाता है तो विटामिन ई की कैप्सूल खोलते हैं और वो लगाते हैं। बहुत सारे मेडिकल में इतने बड़े बड़े बॉटल्स में विटामिन ई रखा जाता है। तो विटामिन ई आपको मिल रहा है वो एक्सटर्नल यूज हो रहा है, लेकिन विटामिन ई हमें क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे हार्मोन्स लेवल है ना वो नॉर्मलाइज होने में विटामिन ई का बहुत अच्छा रोल है। इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में ऑलरेडी विटामिन ई सप्लीमेंट स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि विटामिन ई जो हमारा हार्मोन रेगुलेशन है, हार्मोन्स नॉर्मली सिक्रेट होना, ये फंक्शन बहुत अच्छा करता है, इसलिए विटामिन ई इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात है ये है कि ये हमारा सी बकथॉर्न, जैसे हम डाइट खाना खा रहे हैं कोई भी, तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स में। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें चाहिए एनर्जी के लिए, राइट?
प्रोटीन्स हमें चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, जो हमारा सेल रिपेयर होना या फिर जो सेल डैमेज हुई है उसका रिपेयर होना। और फैट्स भी इम्पॉर्टेंट है, हेल्दी फैट्स हमें इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है, जो भी जैसे कि हार्ट है, लीवर है, लंग्स है, और सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन ब्रेन भी है, ब्रेन को वो प्रोटेक्शन दे, जो उसका आउटर पार्ट होता है ना, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है फैट्स का। ये हेल्दी फैट्स होना जरूरी है, क्योंकि फैट अगर बोला जाए तो लोगों को वही फैट सामने आ जाता है जो ओबेसिटी में बढ़ जाता है। तो ओबेसिटी भी इस वजह से बढ़ती है क्योंकि उनके हेल्दी फैट के ऊपर अनहेल्दी फैट की परत जमने लगती है। तो अगर आप हेल्दी फैट इंटेक करोगे तो जाहिर सी बात है अनहेल्दी फैट आपका कम हो जाएगा, राइट? तो ये ऐसा काम करता है कि फैट्स डेली लाइफ में इंक्लूड करना इतना ज्यादा जरूरी है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स है जैसे कि फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट्स रिच भी है, लेकिन मेनली हमें इसमें फैटी एसिड ज्यादा मिलते हैं। ये इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है जिसका मैंने अभी लिस्ट आपके साथ शेयर किया है। कैरोटीनॉइड्स होते हैं, मतलब कैरोटीनॉइड्स क्यों जरूरी है हमारे आंखों के लिए। विटामिन ई, विटामिन ए जो होता है वो हमारे आई साइट, आई विजन, आंखों की हेल्थ अच्छे रहने के लिए बहुत जरूरी है, जो सी बकथॉर्न में है। और सी बकथॉर्न के रिजल्ट्स मुझे आंखों के कंडीशंस में भी बहुत अच्छे मिले हैं, जैसे कि जिनको ब्लर्ड विजन हो रहा है या फिर जिनको ऑलरेडी कैटरेक्ट की जो इनिशियल स्टेज होती है ना, उसमें भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिनका चश्मे का नंबर बढ़ते ही जा रहा है, या फिर ड्राई आई सिंड्रोम जिसे कहते हैं, उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट, फॉलिक एसिड, एक भरपूर न्यूट्रिशनल सोर्स आपको सी बकथॉर्न से मिल रहा है। इम्यूनिटी सिस्टम ये कैसे डेवलप करता है, ये उसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है उसकी लिस्ट मैंने बताई है, जो फ्लेवोनॉइड्स है इसके अंदर, उसकी वजह से हमें इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग इफेक्ट मिलता है। मतलब अभी सी बकथॉर्न अगर हम डेली कंज्यूम करते हैं तो हमारे इम्यूनिटी में बहुत अच्छा काम करता है। जैसे सर्दी खांसी होना, बार बार बुखार आना, इसमें भी वो कम होने के लिए, और वो बार बार अगर हो रहा है, जैसे कि हमने देखा कि सीजन चेंज हो रहा है, अभी विंटर सीजन आने आना शुरू हुआ है, तो एक ऋतु से दूसरा ऋतु अगर चेंज होता है उसको हम ऋतु कहते हैं। तो कभी भी आप ऑब्जर्व करें उस ऋतु संधि में बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाती है। पहले सीजन के लिए बॉडी ऑलरेडी अडॉप्ट हो चुकी होती है और दूसरा सीजन शुरू होता है। तो ये जो ऋतु संधि मतलब बीच में का जो काल होता है ना, उसमें इम्यूनिटी कम होने की वजह से लोग बार बार बीमार होते हैं। अभी भी सर्दी खांसी या फीवर के पेशेंट ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि अभी ऋतु संधि का ये जो काल है वो चल रहा है। तो ये ऐसे कंडीशन में इम्यूनिटी बिल्डअप के लिए बहुत जरूरी है सी बकथॉर्न डेली कंज्यूम करना। रीजनरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, तो म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे ओवरऑल बॉडी में होता है, जो वाइटल ऑर्गन्स है उसमें भी होता है, लेकिन मेन म्यूकस मेम्ब्रेन हमारा शुरू होता है जो ओरल कैविटी है। हम देखते हैं ओरल कैविटी से लेकर पीछे रेक्टम एनल एरिया तक, एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट उसे कहते हैं। तो वहां पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे मुंह के छाले आना, जैसे मुंह में छाले आते हैं, वैसे भी वैसे ही उसी म्यूकस मेम्ब्रेन पे हमारे इंटेस्टाइन में या फिर स्टमक में भी छाले आ जाते हैं, लेकिन अल्सर्स आ जाते हैं। तो अल्सर्स के पेशेंट में क्या होता है कि हाइपर एसिडिटी होती है, जलन होती है। तो ये अल्सर्स हीलिंग करना, ये काम सी बकथॉर्न करता है। रीजनरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन का डीजनरेशन हमेशा होता जाता है, क्योंकि हमारे स्टमक के जो एसिड्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो कभी कभी हमारी इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की लेवल अगर एसिडिक हो जाती है, तभी भी ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को हार्म पहुंचाती है। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन को अच्छे से बनाता है, और ये इसके लिए जरूरी है लार्ज इंटेस्टाइन में भी, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन से हमारे सारे न्यूट्रिशन एब्सॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन अगर आपकी अच्छे से रहती है, तभी आप जो भी खा रहे हो, खाना खा रहे हो, या फिर कुछ भी न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन्स ले रहे हो, उसका एब्सॉर्प्शन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट में भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि आप ये जानिए कि जहां पे भी मोशन हो रहा है, लाइक हमारा जो डाइट है, जो न्यूट्रिशन है, यहाँ
हमारे इंटेस्टाइन से हर एक जगह पे पहुंचता है, राइट, थ्रू जैसे कि हम उसको ब्लड वेसल्स कह सकते हैं या फिर रस धातु जिसे कह सकते हैं, वहां से हमारे हर एक ऑर्गन में वो चले जाता है। तो जहां जहां पे भी मूवमेंट है तो वो एक लेयर बनाया होता है, उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। जैसे कि अगर आप आर्टरी भी लो, आर्टरी के अंदर भी एक प्रिवेंशन का लेयर होता है। तो ये रीजनरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सीबकथॉर्न ऑयल, सीबकथॉर्न से जो ऑयल निकलता है ये एब्सॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेज, और इसकी वजह से हमें हेल्दी स्किन मिलती है। जैसे मैंने पहले बताया कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में सीबकथॉर्न का बहुत अच्छे से यूज हो रहा है, क्योंकि वो एक्सटर्नली जो सनबर्न क्रीम्स होते हैं या फिर सनस्क्रीन क्रीम्स होते हैं या लोशंस होते हैं, उसमें ये ज्यादा इस्तेमाल होता आ रहा है, यही प्रॉपर्टीज की वजह से कि ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है बहुत अच्छे से एब्सॉर्ब करता है। लेकिन अगर आप एक्सटर्नली और इंटरनली भी अगर ये ले लेते हैं उसी वक्त तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा स्किन के ऊपर। जैसे मैंने पहले बताया, इसका काम है रीजनरेशन। जैसे स्किन डिसीजेस, कोई भी स्किन डिसीज हो, अगर स्किन डिसीज हील होना है तो जरूरी है कि वहां पे एक ऐसा लेयर बने सेल का जो हेल्दी हो। तो एक सेल का हेल्दी लेयर बनना बनाना काम सी बकथॉर्न का होता है, हेल्दी फैट्स का होता है। तो इसकी वजह से ये एक्जिमा है या सोराइसिस है, ल्यूपस एरिथेमेटिस है, ये जो भी क्रॉनिक डिसीजेस है या फिर बर्न कंडीशन होता है, कभी कभी बर्न्स के पेशेंट में भी वहां पे हीलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनरेशन, नए सेल्स तैयार होने का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसीलिए स्किन डिसीजेस में हमें बहुत अच्छे सी बकथॉर्न के रिजल्ट्स मिले हैं। मुझे भी क्लिनिक में जो पेशेंट्स स्किन डिसीजेस के पेशेंट्स हैं उनमें मैंने यूज किया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, अमेजिंग रिजल्ट्स है। स्पेशली एक्ने में, एक्ने में या फिर हाइपर पिगमेंटेशन में सी बकथॉर्न बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आप उसको इंटरनली यूज कर सकते हैं। इसका इंटरनली जैसे कि टीनेजर्स में आप 1 BD दे सकते हो, एक कैप्सूल 2 टाइम, और सारे एडल्ट्स में 1 BD इसका डोज है। अगर 8 साल के कम उम्र के बच्चे हैं तो उसको हम 1 कैप्सूल पर डे दे सकते हैं। तो इसकी वजह से ये स्किन के ऊपर भी अच्छा है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में ये कैसे काम करता है, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड पे आपको एक्सप्लेन किया, पेप्टिक अल्सर गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे इन्फ्लामेशन होता है वहां के म्यूकस मेम्ब्रेन का, और उसकी वजह से लूज मोशन होना या फिर बार बार मोशन में से म्यूकस निकल जाना, ऐसी कंप्लेंट्स दिखाई देती है। तो इन कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और जैसे मैंने कहा कि ये रीजनरेशन का काम करता है, इसलिए इसके कैंसर पे भी बेनिफिट्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ऑलरेडी जो पेशेंट कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो उनके ट्रीटमेंट के साथ अगर सीबकथॉर्न यूज करते हैं, उनकी इम्यूनिटी के लिए भी और उनके अच्छे सेल्स ग्रो करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कैंसर पेशेंट में हम देखते हैं कि एक एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ ही ज्यादा होने लगती है, उसमें नॉर्मल सेल्स कम बनती है। इसकी वजह से हमें अच्छे नए सेल्स बनाने हैं तो सीबकथॉर्न उनमें ऐड करना इम्पोर्टेंट है। सीबकथॉर्न में एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण जो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के अंदर वो सैचुरेट नहीं होने देता, इसलिए डायबिटीज है या फिर कार्डियोवास्कुलर और कोई भी क्रॉनिक डिसीजेस है उन कंडीशन में ये बहुत अच्छा काम करता है। एंटी प्रोलिफेरेटिव एक्शन उसका बताया गया है। एंटी प्रोलिफेरेटिव मतलब अगर हम कैंसर के पेशेंट में जाते हैं तो सेल ग्रोथ होती है, प्रोलिफरेशन होता है सेल्स का, एबनॉर्मल सेल्स का, तो वो उसकी ग्रोथ रोकना ये रिजल्ट्स, ये जो एंटी प्रोलिफरेटिव एक्शन है उसका एक रिसर्च पेपर में बहुत अच्छे से मेंशन किया है। मैंने वो लास्ट स्लाइड में उसका आपको रेफरेंस के लिए दिया है, आप वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बाद में उस स्लाइड का। फैटी एसिड्स हमें इम्पोर्टेंट है मेनली हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन फैटी एसिड्स है तो हमारे जो आयुर्वेद में सप्त धातु बताए गए हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, उसमें मेद धातु जो कहा गया ना उसको हम फैटी एसिड्स, हेल्दी फैटी एसिड्स में कोरिलेट कर सकते हैं। तो उसका काम क्या है, मांस मेद अस्थि, मैंने मतलब आपने अगर मैंने पहले के सेशंस देखे होंगे तो मैंने उसमें बताया है आपको कि हमारा धातु एक के बाद एक बनता है। जैसे रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस,
मान से मेद बनेगा और मेद धातु से अस्थि बनेगा। तो मेद धातु अगर आपका अच्छा होगा, लाइक हेल्दी फैट्स अगर आप ले रहे हो, तो आपका अस्थि धातु अच्छा रहेगा। अस्थि धातु मतलब क्या, जो आपके बोन्स है वो अच्छे रहते हैं, तो आप इसको हेल्दी बोन्स के साथ यूज करते हैं, तो आपका मेद धातु और अस्थि धातु बहुत अच्छे से रहता है, हेल्दी रहता है। तो ड्राई आई सिंड्रोम में भी फैटी एसिड्स इंपॉर्टेंट है। मेन हमारा जो रेटाइना का लेयर होता है, वहां पे फैटी एसिड्स होना, नॉर्मली होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि स्क्रीन टाइम, जैसे कि मोबाइल का स्क्रीन टाइम हो, लैपटॉप का स्क्रीन टाइम हो, काम की वजह से हम वो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसके रेस का जो हमारे आंखों पे इफेक्ट आ रहा है, वो उसकी वजह से ड्राई आई सिंड्रोम आ रहा है। ड्राई आई सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि वहां पे इचिंग होना, रेडनेस होना, कभी कभी थोड़ा सा पानी भी आने लगता है, डिस्चार्ज होने लगता है। तो ये सारी कंडीशंस हमें दिखती है। आपने बहुत, जो अभी लैपटॉप पे दिन भर काम करते हैं, कभी आप आपके आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो बहुत सी बार, मतलब 10 में से 7 पेशेंट्स तो ऐसे मिलते हैं जिनको ड्राई आई सिंड्रोम है, और उनको वो फिर ड्रॉप दे देते हैं कि आपका जो लुब्रिकेशन है मेनली आईज का, वो अच्छे से बने रहे और आपकी आंखें ड्राई ना हो। और वो ये भी सजेशन देते कि आप लिक्विड ज्यादा ले या फिर हाइड्रेटेड रहे। लेकिन हाइड्रेटेड सिर्फ आपको पानी, तो ठीक है, हाइड्रेटेड रहना जरूरी है, लेकिन ये फैटी एसिड्स, जो ओमेगा फैटी एसिड्स हमें इंपॉर्टेंट है बॉडी के अंदर, वो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, ड्राई आई सिंड्रोम को रोकने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको सी बकथॉर्न आंखों के कंडीशन में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। फाइटोस्टेरोलिक बायोएक्टिव कंपोनेंट है जो कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस से हेल्प करता है, जैसे कि ओमेगा फैटी एसिड्स हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, सबको पता है। तो ओमेगा फैटी एसिड्स इनटेक करना, मैं जैसे कि हाइपर कोलेस्ट्रीमिया या फिर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की वजह से हार्ट में ब्लॉकेजेस, जैसे हाँ ब्लड वेसल जो होते हैं वहां पे ब्लॉकेजेस तैयार होती है, प्लाक तैयार होता है वहां पे, और उसकी वजह से कभी भी ऐसा होता है। आजकल हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक्स का जो है प्रपोर्शन वो ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ब्लॉकेजेस भी आ जाते हैं कभी कभी। तो ये ब्लॉकेजेस प्रिवेंट करने के लिए, अगर आपकी ब्लड वेसल्स में से ब्लड अच्छे से फ्लो होना चाहिए, तो अच्छे, जाहिर सी बात है, वो ब्लड वेसल्स का जो मेन वे है वो ठीक होना इम्पोर्टेंट है, ना कि वहां पे एलडीएल बढ़े या फिर कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड बढ़े, बन के वहां पे प्लाक तैयार होता है जो फैट्स की वजह से बनता है, जो अनहेल्दी फैट की वजह से बढ़ता है। अगर वो बढ़ता है तो जाहिर सी बात है वहां पे ब्लॉकेजेस तो होगा। तो इसकी वजह से फाइटोस्टेरॉल एक ऐसा कंपाउंड है इसके अंदर जो कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस से बचाता है, ब्लॉकेजेस से प्रिवेंशन देता है, राइट। डायबिटीज में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि डायबिटीज में इंसुलिन सिक्रेशन और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी ये बैलेंस करता है, ब्लड शुगर लेवल को ये बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। हिपेटो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी है इसकी। हिपेटो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी कैसी है, अगर हम जानते हैं, अगर आप देखते हो, अगर हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, जिसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, या फिर कभी ऐसे लोग होते हैं जो ओबेज है या फिर जिनको डायबिटीज है, ऐसे पेशेंट की अगर आपने यूएसजी की, अल्ट्रासाउंड किया, तो उसमें आ जाता है फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, नॉर्मली अभी लाइक 20s में भी ये आजकल डायग्नोस हो रहा है कि फैटी लिवर है उस पेशेंट को। फैटी लिवर है मतलब क्या है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो रिड्यूस नहीं हो पा रहा है, और जो हमारे बैड फैट्स है वो शरीर के अंदर बढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हमारे लीवर को गुड फैट देना इम्पोर्टेंट है, इसकी वजह से वो फैटी लिवर की कंडीशन है वो कम हो सके। लिपिड मेटाबॉलिज्म जो है वो हिपेटोसाइट्स में लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है। लिपिड्स का मतलब होता है फैट्स। अगर आप हेल्दी फैट्स ले रहे हो तो आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा और आपकी लीवर की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। तो हेल्दी फैट्स, विटामिन ई या फिर कैरोटीनॉइड्स, ये सब चीजें इसके अंदर है। इसकी वजह से हमारे लीवर सेल्स को ये डैमेज से रोकता है, तो ये लीवर फंक्शन के लिए बहुत अच्छा काम कर होता है सी बकथॉर्न। ड्राई आई सिंड्रोम जो मैंने पहले आपको मेंशन किया था, आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है, एक नॉर्मल आई है और ये एक ड्राई आई है, आप देख सकते हैं, राइट।
तो ये ड्राई आई सिंड्रोम एक्चुअली ये बहुत बाद की कंडीशन है जो आपको इमेज में दिख रही है। कभी कभी क्या होता है, इचिंग से शुरू होता है, इचिंग के बाद ये कंडीशन आ जाती है। तो ये बीटा कैरोटीन विटामिन ए इम्पॉर्टेंट है हमारे आई हेल्थ को अच्छा रहने के लिए। और जो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, तो ये सारी चीजें, ये सारे विटामिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, अगर हमारी बॉडी में फैट लेवल अच्छा है, हेल्दी फैट, हाँ अनहेल्दी नहीं, फैट लेवल अच्छा है, मतलब मेद धातु अच्छा है, तो ये जो विटामिन एब्सॉर्प्शन जो है, क्योंकि फैट सोल्यूबल विटामिन है तो वो सोल्यूबल होंगे पहले, उसके बाद एब्सॉर्प्शन होगा। विटामिन डी की डिफिशियंसी हम ज्यादा देखते हैं आजकल, बच्चों में भी है और बड़ों में भी विटामिन डी की डिफिशियंसी देखते हैं। तो उसमें ये होता है कि विटामिन डी भी आप ले रहे हो बाहर से, तो उसका सोल्युबिलिटी और उसका एब्सॉर्प्शन डिपेंड है आपके आपके शरीर में हेल्दी फैट कितना है, या फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेयर है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो कैसा है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो ये आई केयर में हो गया, और बालों के लिए भी, बालों में आपको ये दो इमेजेस दिख रही है, एक डैमेज्ड हेयर है और एक अच्छे हेयर्स है। तो हेयर में डैमेज हो रहा है मतलब वहां पे इलास्टिसिटी कम हो रही है। कभी आपने ऑयल अप्लाई कर किए हुए बाल और ड्राई हुए बाल अगर कंपेयर किए तो ऐसे दिखते हैं। तो ये आपको नेचुरली इंटरनली ऑयल का सोर्स, गुड फैटी एसिड्स का सोर्स आपको मिल रहा है। इसके अंदर जो लेसिथिन है वो हमारे बालों की हेल्थ अच्छा करता है, राइट? तो इसकी वजह से बालों के लिए भी है, आंखों के लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। एंटी हाइपरलिपिडीमिया एक्टिविटी, जैसे मैंने पहले कहा, ये अगर आर्टरी है, राइट, अब आपको इमेज में दिख रही है ये आर्टरी है, इसमें एलडीएल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ये प्लाक दिख रहा है आपको, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक, ये येलोइश कलर का, तो अगर ये बढ़ते जाता है तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो फ्लो है वो कम होगा। फ्लो कम होगा तो जाहिर सी बात है ब्लॉकेज होगा, हाइपरटेंशन होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है आपका, तो हाइपरटेंशन, बीपी ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट? तो ये एलडीएल अगर बढ़ता है तो ये कंडीशन दिखती है, लेकिन ये हाइपरकोलेस्ट्रिया में बहुत अच्छा काम करता है सी बकथॉर्न। फाइटोस्टेरॉल जो है वो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा है उसको ये कम करने में, और गुड कोलेस्ट्रॉल शरीर के अंदर बढ़ाने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। एंटी ओबेसिटी है, ओबेसिटी है मतलब क्या है, बैड फैट्स बढ़ रहे हैं, अगर आप गुड फैट्स अगर आपके बॉडी में दे रहे हो, क्योंकि लिपिड मेटाबॉलिज्म जो होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है एंटी ओबेसिटी एक्टिविटी में। लिपिड मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है तो ये फैट्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं, और ओबेसिटी की कंडीशन आती है। ओबेसिटी की कंडीशन के बाद धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, या फिर पीसीओडी, आगे जाके डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारे फिर लाइफस्टाइल डिसीजेस आ जाती है। तो मेन इसके अंदर पॉलीसेकेराइड जो है वो हमारे फैट एक्यूमुलेशन को कम करेंगे और वेट गेन को भी है जो वो प्रिवेंट करेंगे, तो ये वेट लॉस करने में भी बहुत अच्छा काम करता है, एंटी ओबेसिटी काम करता है। तो ये सारे फंक्शंस तो आपने देखे, लेकिन स्पेशली वुमेन्स हेल्थ में ये कैसे काम करेगा सी बकथॉर्न? सी बकथॉर्न वुमेन्स हेल्थ में स्पेशली पेरीमेनोपॉजल एज जो होता है ना, उस एज में बहुत अच्छे से काम करता है। पेरीमेनोपॉजल एज मतलब जैसे कि अगर किसी महिला को 50 साल में मेनोपॉज आ रहा है, तो कभी कभी 5 से 10 साल उनके ऐसे पेरीमेनोपॉजल एज में जाते हैं, वहां पे इस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, इस्ट्रोजन हार्मोन की लेवल कम होने लगती है, और वहां पे शरीर में ड्राइनेस आना, रूखापन, जैसे कि बाल झड़ने लगेंगे। अगर ड्राइनेस आ रहा है आपके बॉडी के अंदर तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके बोन्स भी वीक होते जाते हैं, मसल्स वीक होते जाते हैं, या फिर वजाइनल ड्राइनेस जैसी भी कंप्लेंट्स दिखती है। तो ये जो सिम्टम्स है वो कम करने में सीबकथॉर्न बहुत अच्छे से काम करता है। ये हो गया मेनोपॉज के टाइम पे, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव एज है, या फिर जो मेनार के जस्ट पीरियड्स उनको शुरू हुए हैं, उनको हार्मोन्स रेगुलेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ब्रेन से सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं। ब्रेन का फंक्शन और नर्व्स का फंक्शन अच्छा रहा तभी आपके हार्मोन्स रेगुलराइज होंगे, तो हार्मोन्स रेगुलेशन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है सीबकथॉर्न। थायराइड की कंडीशंस में भी सीबकथॉर्न बहुत अच्छे से काम करता है।
उस टोटली मतलब ऑल एज ग्रुप में वुमेन्स के लिए अच्छा है। और इनफर्टिलिटी के केस में आप मेल में भी ये दे सकते हैं और फीमेल में भी, इनफर्टिलिटी के केस में भी, अगर इसमें विटामिन ई है और ये हार्मोन्स अच्छे से रेगुलेट करता है। कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस ये ही मेन रीजन होता है इनफर्टिलिटी का। तो अगर क्योंकि जो साइकिल होता है उसमें प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल अगर कम हो जाता है तो कभी कभी प्रोजेस्ट्रॉन की मेडिसिन बाहर से देनी पड़ती है, हार्मोन्स अच्छे से रेगुलर मेंटेन नहीं होते हैं तो इनफर्टिलिटी के केसेस ज्यादा बढ़ते हैं। तो इनफर्टिलिटी में भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा सीबकथॉर्न। तो ये कुछ रिसर्च पेपर्स है, आप आपके स्टडीज के लिए उसको रेफर कर सकते हैं। आप इसके इमेजेस भी ले सकते हैं, इमेज स्क्रीनशॉट लेके रखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट नॉलेज अगर आप साइंटिफिकली लेंगे तो आप आगे भी जाके बता सकते हैं कि इसके साइंटिफिक प्रूवन है और हिस्ट्री है। बाकी रिजल्ट्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, इसके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग तो हम बता सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक नॉलेज भी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने ये रिसर्च पेपर्स आपको यहाँ पे मेंशन किया है। थैंक यू सो मच। सीबकथॉर्न के बारे में आपने जानकारी अच्छे से सुनी इसकी वजह से, और कोई भी डाउट है सीबकथॉर्न के बारे में अभी पूछ सकते हैं। ये हमारे क्लिनिक का नंबर है, आप नोट डाउन करिए स्क्रीन पे जो दिख रहा है। हर बुधवार को हमारा फ्री कंसल्टेशन होता है 10 से 4 के बीच में, तो उसमें आपके कुछ पेशेंट्स रहेंगे तो उनको फ्री कंसल्टेशन मिल सकता है। या फिर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तभी भी आप कॉल कर सकते हो उस थैंक नंबर यू पे। मैम। अभी आप सी बकथोन के बारे में कुछ क्वेश्चंस होंगे। ओके, थैंक यू सर। हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। कुलदीप जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मिस्टर कुलदीप जी मैम, गुड मॉर्निंग मैडम गुड मॉर्निंग। जी। अगर किसी तरह का डायबिटीज पेशेंट और किसी तरह का हार्ट वगैरह का पेशेंट अगर कोई एलोपैथ दवा ले रहे हैं तो उसमें सीबकथॉर्न को हम कैसे चला सकते हैं, इसको साथ में चला सकते हैं? जी, सीबकथॉर्न का डोज है, एक कैप्सूल 2 बार दे सकते हो आप सुबह शाम। और ये न्यूट्रास्यूटिकल है, मतलब इसका आप टाइमिंग कभी भी दे सकते हो, लेकिन आप ले रहे हो तो एक फिक्स टाइम रखिए। जैसे आपके सारे आरजीजीएल स्पिरुलिना ले रहे हो ना, उसके साथ में भी आप ये दे सकते हो, स्टार्ट कर सकते। जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू कुलदीप जी। एंड राकेश कुमार जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जी हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, हमको सीरियोसिस है और अस्थमा, सीबकथॉर्न खा सकते हैं मैम? जी, इन कंडीशन में सीबकथॉर्न खा सकते हैं। जी ऐसा हो गया जी आप सीबकथॉर्न ले सकते हैं रोज। जी, और अस्थमा में भी मैं चलेगा जी, लेकिन उसके साथ आपको आपके हमारे बाकी भी कोर प्रोडक्ट्स हैं, आरजी जी? जीएल खा रहे हैं, ब्लैक जीएलएस क्यूमिन स्पिरुलिना है, उसके साथ कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन आपकी कंडीशन में। हाँ, जी, गुड तो आपकी कंडीशन में मॉर्निंग। और क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए मैं क्लिनिक में बता दूंगी, लेकिन फिलहाल आपकी स्किन के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, सीबकथॉर्न ऐड कर सकते हैं डेली। ओके, गुड जी मैम, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद मॉर्निंग। मैम। गुड मॉर्निंग राकेश जी। एंड दिनेश कुमार जी अनम्यूट कीजिए सर। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं किसी को बल्ब सिकुड़ गया है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, तो आरजीजीएल तो चल ही रहा है, नोनी चल रहा है, लेकिन सीबकथॉर्न खाली पेट लेना है या खाना खाने के बाद लेना है, सुसुम पानी में लेना है या ठंडा पानी में लेना है? एक न्यूट्रेस्यूटिकल है, लाइक ये न्यूट्रिशन है। तो आप इसको, हाँ आप इसको कोई भी एक टाइम पे फिक्स करके टाइम ले ले, उसका कुछ ऐसा नहीं है कि खाने से पहले ही लेना चाहिए। आप कौन से भी टाइम पे उसको कंज्यूम करें, लेकिन आपको 2 बार ये कंज्यूम करना है। ओके, एक सुसुम एक पानी कैप्सूल में या ठंडा पानी में? नॉर्मल नॉर्मल पानी में, नॉर्मल पानी में लीजिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू दिनेश जी। प्रवीण जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। प्रवीण जी
अनम्यूट कीजिए सर। ललिता बदानी अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग आवाज आ रही है? गुड जी। मॉर्निंग मैम, जी गुड जी मैम मॉर्निंग बोलिए मैम। मैम, मैं बुधवार को आपसे बात की थी और एक रितेश कुमार सिंह के बारे में आपको बताई थी और उनका रिपोर्ट भी आपको दी थी। आपने बात भी किया था उनकी मम्मी से और मुझसे भी बात की थी और बोली थी कि व्हाट्सएप में मैं दे दूंगी कुछ लिखकर, तो आपने कुछ भी नहीं लिखा और उनके मोबाइल में भी कुछ भी नहीं दिया। तो मैं आप बोलना नहीं, चाह नहीं, आप क्या करिए, क्लिनिक के फोन पे उनका नाम लिख के भेज दीजिए, रितेश कुमार, और मुझे प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिला ऐसा लिख के भेज दीजिए, आपको आपका प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जी मैम, मैं ये बुधवार के बाद भी लिखी हूँ कि रितेश की मम्मी से आपकी बात हुई है और मैं भी आपसे बात की हूँ और सारा रिपोर्ट फिर से दी हूँ। नहीं, रिपोर्ट नहीं, आपको ये लिखना है कि रितेश कुमार प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, ऐसा लिखिए, प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। स्पेसिफिक आप प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बताएंगे तो यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक जी है? मैम, जी मैम, हाँ थैंक यू मैम। ओके। पूनम यादव अनम्यूट कीजिए। पूनम जी मैम, यादव जी यस जी यस सर, मैम जय गुरु। मेरा सवाल ये है मैम कि जो बच्चों को इसको कितना देना चाहिए, जैसे 6 साल से ऊपर या 12 साल का, इसे कितना डोज? ओके, जैसे 8 साल, जी, 8 साल के नीचे जो बच्चे हैं उनको आप एक ही कैप्सूल दीजिए डेली, ओके, कोई भी टाइम पे फिक्स कर दीजिए वो टाइम, और 8 साल के बाद में आप दो दे सकती है, एक सुबह और एक शाम को। जी मैम, और एक सवाल है मैम, जैसे स्किन एलर्जी किसी को है तो उसमें ले सकते हैं? स्किन कंडीशन में ये बहुत अच्छे से काम करता है तो आप दे सकती हैं। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक ओके। यू। पिंटू राम, जिन जिन ने सवाल पूछ लिए हैं वो अपने हैंड को डाउन कर दे। पिंटू राम अनम्यूट कीजिए सर। पिंटू राम, ओके, पिंटू राम तक आवाज नहीं जा रहा है हमारा, हम बात करेंगे। मनीष कुमार जी अनम्यूट कीजिए। मनीष कुमार गुड मॉर्निंग मैम, हेलो, गुड मॉर्निंग, मैम सवाल पूछिए सर आपका। एक आदमी का लीवर में प्रॉब्लम है मैम, लीवर प्रॉब्लम है तो उनको सिबोक्थोन कितना डोज चलेगा? सबको सिबकथॉन का डोज एक ही देते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जिनको अगर दो दो देना है तो एग्जैक्टली उनको क्या प्रॉब्लम है आप क्लिनिक के फोन पे कांटेक्ट करिए, ओके, लेकिन फिलहाल आप एक एक स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके साथ मैम ये त्रिफला दे रहे हैं, एक सुबह एक शाम। जी मैम, ओके ओके ओके, जी त्रिफला दे सकते हैं ना? त्रिफला दे सकते हैं ना, लेकिन उनको बाकी के भी प्रोडक्ट्स उनको ऐड करने पड़ेंगे, तो उनको प्रॉपर कंसल्टेशन लगेगा, तो आप क्लिनिक के फोन पे कांटेक्ट करिए। अच्छा, थैंक यू मैम। तो मैम ये सिबक्त जो है खाली पेट ले सकते हैं? खाली पेट भी ले सकते हैं, सीबकथॉन का ऐसा नहीं है कि खा के ही लेना चाहिए, आप कोई भी टाइम पे ले सकते हैं, लेकिन आप जो टाइम ले रहे हो मतलब वो फिक्स कर दे और वैसे आप ले लीजिए अच्छा, कंटिन्यू करना होगा उसको। दो टाइम। जी, थैंक यू मैम। अमल समानता, हाँ, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड सवाल मॉर्निंग पूछिए। मैडम। मैडम से मेरा एक सवाल है। तो एक आदमी का उम्र है 32 साल, उसका थोड़ा सा अल्सर है, तो मैं चाय दिया था और स्क्रीनवा दिया था, तो उसमें थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है और एक नया चीज निकल के आया है। पहले ही था थोड़ा सा, डोंट माइंड सर, फिस्टुला उसको थोड़ा सा आ गया है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आरजेजीएल उसको एक एक दे रहा हूँ, उसके साथ सीबेक्टन दे सकता हूँ क्या? ओके,
वक्त हम दे सकते हैं उनको। तो उसको खाली पेट ही दे रहा था, तो खाली पेट सिबाक्थोन दे? दे सकते हैं सिबक्थोन, खाली पेट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 32 साल उम्र है, कितना डोज दे दे, दिन में कितना? जब हर राइस के रात में तो हाथा उठा था तो यार मैं मुकरी था, लेकिन आज सोए गए चालू कहकर सोए गए, यानी नहीं पान काम हो रही काम नहीं। मैम कितना गोली ले ले दिन में? एक एक कैप्सूल उसका डोज है, मैं फिर से सबको बता रही हूँ, डोज उसका एक कैप्सूल 2 बार ले सकते हैं सुबह और शाम को, नॉर्मल गर्म पानी में ना, पानी में, कोई भी नॉर्मल पानी में ले सकते हैं। नॉर्मल पानी में? जी थैंक यू मैम, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग, म्यूट कर लीजिए सर, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ बबलू सोनी जी एमपी से, अनम्यूट कीजिए सर। जी सर, गुड जी मॉर्निंग सर। सर मेरे को नींद नहीं आती है ओके। जी, मेरे को भी नींद नहीं आती, सिर में भारी भारी लगता है, घबराहट जैसे रहती है मैम, उसके लिए मेरा दवा क्या है? तो ये हमारा टॉपिक सी बकथॉर्न के रिलेटेड था, सी बकथॉर्न रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी मैंने जी क्लिनिक का नंबर शेयर किया है चैट बॉक्स में और पीपीटी में भी दिखाया था आपकी जी हेल्थ मैम कंडीशन के लिए, आप जी मैम क्लिनिक में कांटेक्ट करिए। ओके ओके मैम ओके जितेंद्र मोहनानी जी, मैम। मिस्टर जितेंद्र अनम्यूट कीजिए सर। हाँ जी नमस्ते सर, जी, नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो बाइट को सोराइसिस है, 4-5 साल से पूरे शरीर में मैंने फैल गया है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो गया है। ओके सोराइसिस है मैम। ठीक है और आपका सवाल पूछिए। सोराइसिस है मैम, बैक मैंने पूरे बॉडी में फैल गया है। ओके हाँ तो उनको क्या क्या देना होगा और कैसे कैसे देना होगा रिएक्शन में? तो ये सोराइसिस के कंडीशन में हमारा आज का टॉपिक सी बकथॉर्न के रिलेटेड है, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी सी बकथॉर्न तो आप दे सकते हो, लेकिन साथ में हमारे कोर प्रोडक्ट स्टार्ट करिए और डिटेल में कंसल्टेशन के लिए क्लिनिक में कांटेक्ट करिए। अभी जूम पे क्या क्या देना है वो नहीं बता सकती मैं। ओके अच्छा, ये इसको कितना सी बकथॉर्न तो आप सेवन, स्टार्ट, इसका डोज क्या एक रहेगा? एक कैप्सूल 2 टाइम देना है। बहुत ज्यादा फैल गया है, ब्लैक हो गया, पूरा गोरी से पूरा ब्लैक हो गई है। जी, एक एक कैप्सूल आप स्टार्ट करिए और क्लिनिक में कांटेक्ट करिए, उसके फिर मैं हिस्ट्री लेके अच्छे से कंसल्ट करूंगी। मैडम के कांटेक्ट जी क्लिनिक पर कांटेक्ट करें नंबर पर, ठीक है सर। जी जी और जी जी सिंपल सा डोजेस है, अगर एडल्ट है 12 साल से ऊपर है तो एक दो लेना है, एक सुबह और शाम को, 12 साल से नीचे कोई है तो उसको एक कैप्सूल इन ए डे, ठीक है। थैंक एंड हम लास्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, रूमा कुमारी जी, रूमा कुमारी जी अनम्यूट कीजिए मैम। रूमा कुमारी गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग मैम, मैं मॉर्निंग। रूमा कुमारी हैदराबाद से बोल रही हूँ। मुझे ये पूछना है कि सी बकथॉर्न किन लोगों को नहीं देना है? ओके सी बकथॉर्न के कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है, सीबकथॉर्न एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है तो इसकी वजह से इसका कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, हम सबको सीबकथॉर्न दे सकते हैं। क्रीम कहाँ जैसे मैंने, आपने लगाने मेरा लेक्चर सुना होगा तो आपने ये भी सुना होगा कि ये एज डेली डाइट में इंक्लूड होता है, लाइक जूस है, जैम, पिकल्स, ऐसे ये इंक्लूड होता है, तो आप ये डेली एज अ डाइट ये आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू, और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे क्षमा चाहेंगे कि हम सारे लोगों के सवाल नहीं ले पाते हैं इस एपिसोड में, और अगर आपको डिजीज से रिलेटेड कोई बीमारी से संबंधित बात करना है तो मैडम के क्लिनिक के नंबर पर फोन करें, वो आपसे जरूर आपसे बात करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। आज के लिए दीजिए हमें इजाजत, हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए स्पीकर के साथ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, विश यू ऑल द थैंक बेस्ट, गो प्राउड, थैंक यू।